हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। हाजरी और से इमदारुल आलमी आज के इस 17वीं शरीफ के मुकद्दस मुतबर्रक स्टेज पर मेंबर नूर पर तशरीफ रखे हुए मशाइखे मकनपुर, सादात मकनपुर, शहजादगाने मकनपुर शरीफ, उस्तादुल असातिज़ा, उस्ताद मोहतरम, हाज़रीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबिही अजमाईन खुसूसन अला सय्यिदिना बदील हक वल मिल्लति वद्दीन मदारिल आलमीन अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين कुर्सी मदारुल आलमीन में शिरकत करने वाले तमाम ही सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान, आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार रहमत परवरदिगार तहियत सना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना शफीना वाला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लम सलातुम वसलाम अलैका या रसूलल्लाह नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तारी निज़ामे कौनो मका है ज़ात मदीने वाले की, मुख्तारी निज़ामे कौनो मका है ज़ात मदीने वाले की, हर दिन है मदीने वाले का हर रात मदीने वाले की। मुख्तारी निज़ामे कौनो मका है ज़ात मदीने वाले की, हर दिन है मदीने वाले का हर रात मदीने वाले की। और कौनैन के चप्पे चप्पे पर हैं उनके गुलामों के मस्कन, कौनैन के चप्पे चप्पे पर हैं उनके गुलामों के मस्कन। बढ़ती है जहां में हर दर से खैरात मदीने वाले की, बढ़ती है जहां में हर दर से खैरात मदीने वाले की। और आज तो बज़्मे नूरानी है आकर देख लो, आज तो बज़्मे नूरानी है आकर देख लो, इनके जिक्र पाक की महफिल सजाकर देख लो, आज तो बज़्मे नूरानी है आकर देख लो, इनके जिक्र पाक की महफिल सजाकर देख लो। और नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां, नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां, या मदारुल आलमी नारा लगाकर देख लो। नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां, या मदारुल आलमी नारा लगाकर देख लो। और घर से तने तनहा निकले थे मदारुल आलमी, जब मेरा मदार अपने घर से खिदमत इस्लाम के लिए निकला तो कोई लश्कर नहीं था, कोई उलमा की जमात नहीं थी, कोई मुफ्ती साथ में नहीं थे, बल्कि तने तनहा निकले थे मदारुल आलमीन। आज हर घर में मदारी है, शजरा उठाकर देख लो, आज हर घर में मदारी है, शजरा उठाकर देख लो। और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा खुशनूद अख्तर साहब फरमाते हैं कि शेरे हक शेरे इलाही शाह मदारुल आलमीन। ये अलग बात है, लोग कहते हैं कि मदार के कदमों पर, मदार के दोष पर उसका कदम इसका कदम, लेकिन हम मोहब्बत का पैगाम देकर के अपनी निस्बतें इन अल्फाज में इजहार करते हैं। हमारा अकीदा, हमारी निस्बतें इस दयार से इस कदर मजबूत है। दुनिया को ये पैगाम हर एक मदारी देता है कि शेरे हक शेरे इलाही शाह मदारुल आलमीन है, जाए मुस्तफाई शाह मदारुल आलमीन। और तेरे तलबों को कभी वल्लाह जा सकती नहीं, तेरे तलबों को कभी वल्लाह जा सकती नहीं। ऊंचे ऊंचों की ऊंचाई शाह मदारुल आलमीन, ऊंचे ऊंचों की ऊंचाई शाह मदारुल आलमीन। हाजरीन मजलिस, ये वो मदार हैं कि अगर आप इनकी जिंदगी का मुवाजना करें, आप इनकी जिंदगी के उठा करके देखें और सीरत मदारुल आलमीन को उठा करके देखें, तो चाहे मदार का किरदार हो, चाहे मदार की रफ्तार हो, चाहे मदार की गुफ्तार हो, चाहे मदार की नजर हो, चाहे मदार का असर हो, कोई भी गोशा कोई भी लम्हा मेरे मदार का याद मुस्तफा से
आपको खाली नहीं मिलेगा। मदार चलते थे तो यादे रसूल में चलते थे, मदार बैठते थे तो यादे रसूल में बैठते थे, मदार बोलते थे तो यादे रसूल में बोलते थे। यही वजह है कि जो एक बार मदार की बारगाह में आ जाता था, मदार के हाथों पर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता था। इसीलिए तो शायर इस्लाम फरमाते हैं कि वो कैसे समझे जो महरूम रुतबा दानी है, वो कैसे समझे जो महरूम रुतबा दानी है। अरे दरे मदार विलायत की राजधानी है, वो कैसे समझे जो महरूम रुतबा दानी है। दरे मदार विलायत की राजधानी है और मेरे मदार ने बख्शा है हिंद को ईमा। हाजरी ने मजलिस एक वक्त ऐसा गुजरा है जब हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती नहीं थे, हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई साबरे कलियरी मौजूद नहीं थे, हिंदुस्तान की सरजमी पर मखदूमी शेख सिन्नानी मौजूद नहीं थे, हिंदुस्तान की सरजमी पर शामीना मौजूद नहीं थे, हिंदुस्तान की सरजमी पर शाहदाना मौजूद थे। लेकिन ऐसे वक्त में कोई इस्लाम का पैगाम आम कर रहा था, कोई लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा था, तो वो कौन था? अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई और नहीं था बल्कि हमारे और आपके आका सरकार सैयदना मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु अन्हु। शायर कहते हैं कि वो कैसे समझे जो महरूम रुतबा दानी है, दरे मदार विलायत की राजधानी है और मेरे मदार ने बख्शा है हिंद को ईमान। मेरे मदार ने बख्शा है हिंद को ईमान, जो इसे न माने ये उसकी बेईमानी है, ये उसे न माने ये उसकी बेईमानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी मुसलमान सरकार मदारुल आलमीन के दामन से वाबस्ता हैं। इनकी निस्बतों को लेकर के इनके खानदान के चश्मो चराग सादात मकनपुर शरीफ के दामन से वाबस्ता रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे कहने में कसदन सेवन जो गलती हो परवरदिगार आलम से अपने करम से माफ़ फरमाए। आमीन व मौतौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।